हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट गेमिंग फोन्स जो अभी 20,000 रुपीज़ के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड गाइस, ये ऐसे फ़ोन्स हैं जिसके अंदर आपको गेमिंग बहुत ख़तरनाक देखने को मिलती है, ठीक है। प्लस में 5G भी हैं। एंड जो सबसे मेन चीज़ है इनके अंदर गाइस, आपको डिस्प्ले भी काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एंड एक फ़ोन में तो गाइस आपको 90 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो गाइस एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो पूरा वॉच करना, एक एक फ़ोन की वीडियो मतलब एक एक फ़ोन के बारे में आप ढंग से सुन लेना। एंड गाइस एट द एंड मेरे ओपिनियन को ज़रूर सुनना, क्योंकि मेरे को पता है इनमें से बेस्ट कौन सा है। एंड गाइस मैं आपको मतलब यूज़र के कम मतलब यूसेज के ऊपर मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। अगर आप एक गेमर हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए, अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो देन आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गाइस देखो, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 फ़ोन रखे हैं, 4 में से कुछ मतलब 3-4 फ़ोन मतलब हैं इस फ़ोन वीडियो के अंदर। एंड गाइस उनमें से कुछ फ़ोन हैं जो गेमर्स के लिए मतलब बने हैं, एंड कुछ फ़ोन्स हैं जो कि नॉर्मल यूज़र के लिए बने हैं। लाइक जैसे किसी फ़ोन का वो डिस्प्ले बहुत अच्छा है एंड किसी फ़ोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, तो इस बेसिस पे फोन है। तो सबसे पहले गाइस अपन चलते हैं अपने नंबर 4 के डिवाइस की ओर। एंड नंबर 2, 3, 4 मतलब जो ये है मैंने दिए हैं, ये असेंडिंग मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने वाले हैं। जो नंबर 4 है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा डिवाइस है, एंड नंबर 3 का उससे अच्छा है, नंबर 2 का उससे अच्छा, नंबर 1 का उससे भी अच्छा है, ऐसा गाइस, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं अपने नंबर 4 के डिवाइस के बारे में, जो कि होने वाला है अपना IQ Z7। एंड गाइस ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ोन आप कह सकते हो, क्योंकि 17,000 रुपये की इसकी प्राइसिंग आती है। जिनका बजट थोड़ा 20,000 टच नहीं कर पाता, ये फ़ोन उनके लिए, ठीक है। अगर आपका बजट 20,000 भी मुश्किल से टच कर रहा है, देन ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट चॉइस है। 17-18,000 रुपये के अंदर इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले गाइस मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बता देता हूँ। तो IQ Z7 के अंदर आपको देखने को मिलता है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले है। एंड गाइस डिस्प्ले मैंने पहले ही बोला बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, इसके अंदर एमोलेड पैनल देखने को मिलते हैं। 90 Hz का रिफ्रेश रेट है। एंड गाइस देखो 90 Hz रिफ्रेश रेट एक जस्टिफाइड रिफ्रेश रेट है, क्योंकि गाइस देखो 90 Hz के अंदर आपकी बैटरी भी इतनी कंज्यूम नहीं होती, एंड जितनी नीड है अगर आपको चुल है 90 FPS एनेबल करने का गेम के अंदर, देन आप इसके अंदर वो चीज़ भी आराम से कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ कि 90 Hz मतलब आपको मेन जो फ़ायदा देगा वो बैटरी कंजप्शन में है, बैटरी बहुत कम कंज्यूम करता है, इसलिए उनको बेस्ट लगता है 90 Hz के पैनल। आप इसमें दोनों काम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं टच सैम्पलिंग रेट की। तो 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है आपको, तो टच लेटेंसी वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं इस फ़ोन में। जैसे ही आप स्कोप ऑन करोगे झट से स्कोप ऑन होगा। काफ़ी सारे बंदों को मतलब इसमें दिक्कत आती है कि उनके फ़ोन में टच लेटेंसी बहुत होती है, तो ये चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। HDR10 का सपोर्ट आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ख़तरनाक है। 1300 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो आउटडोर यूज़ करो चाहे इंडोर यूज़ करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओवरऑल डिस्प्ले को अगर मैं रेट करूँ 10 में से 8 रेट करूँगा मैं गाइस। बात करूँ गाइस प्रोसेसर की, तो Dimensity 920 वाला प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। एंड गाइस ये बहुत तगड़ा प्रोसेसर है प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए, क्योंकि गाइस देखो 20,000 रुपीज़ के अंदर आपको 920 मिल रहे हैं, एंड और क्या ही चाहिए, क्योंकि ये 60 FPS की गेमिंग कराने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं। तो अब गाइस बात करते हैं हम लोग बैटरी की। तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है देखने को, एंड 44 W का चार्जर। ओवरऑल ये आपका 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज कर देगा, तो चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होने से बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पता ही है। तो ये एक एवरेज स्पीड है, तो इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा, ठीक है। इसके अंदर एवरीथिंग बेस्ट है। अब बात करते हैं कैमरे की। तो 64+2 MP का बैक साइड में आपको कैमरा देखने को मिलता है, एंड फ्रंट साइड में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ लास्टली BGMI में क्या ग्राफिक्स ये देता है आप लोगों को, तो BGMI इन PUBG के अंदर गाइज ये 60 FPS की ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करता है, मतलब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के ग्राफिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये बेस्ट है हर एंगल से देखा जाए तो। तो अपने नंबर 3 वाले डिवाइस की अगर मैं बात करूँ, तो ये होने वाला है Lava Agni 2। एंड गाइज ये नंबर 2-1 पे भी हो सकता था, बट ये एक टाइप से जो ये वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है गेमर्स के लिए। तो गाइज देखो जो गेमर्स के लिए जो पहली पसंद होती है, पहली चॉइस होती है, वो होती है परफॉर्मेंस। तो जिस फ़ोन में परफॉर्मेंस वाइज मैंने ये मतलब ये लिस्ट बनाई है, बट एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है एज अ यूज़र,
ठीक है गाइज, तो सबसे पहले गाइज इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले तो गाइज इसकी डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले 10 out of 10 है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 20,000 rupees के अंदर इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी डिवाइस के अंदर नहीं मिलने वाला। इसकी डिस्प्ले एकदम ऑसम है, ठीक है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, 6.78 inches की फुल HD+ कर्व्ड डिस्प्ले है इसके अंदर, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वगैरह वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। ओवरऑल गाइज 6.8 inches, 7.8 मतलब ऑलमोस्ट 6.8 inches, बहुत बड़े डिस्प्ले है। तो अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखना है तो इस पर बहुत अच्छे से देख सकते हो। एंड गाइज कर्व डिस्प्ले तो एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा ये आपको मूवीज़ वगैरह देखते टाइम, मतलब आपको मज़े ही हैं इस फ़ोन के अंदर। एंड किसने सोचा था कि 20,000 rupees के अंदर ऐसे फ़ोन भी आ सकता है, ऐसे डिस्प्ले वाला फ़ोन भी आ सकता है। एंड गाइज अब बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, तो 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड 950 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, चाहे आप इसको इंडोर यूज़ करो चाहे आउटडोर यूज़ करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से विजिबिलिटी रहती है इसकी, अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है। अगर आपके फ़ोन पे डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रहे हैं तब भी आपको आराम से दिखने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो गाइस डायमेंसिटी 7050 वाला चिपसेट है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। मैंने पहले ही बोला गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स इसके अंदर हैं, तो ये मेरे को अच्छा लगा। अब रैम टाइप की बात करूँ गाइस तो LPDDR4X रैम है, एंड UFS 2.2 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो स्पीड वगैरह सब कुछ एक एवरेज स्पीड है। एंड गाइस देखो 20,000 rupees के अंदर आपको ये स्पीड ही एवरेज ठीक ठाक रहती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देने वाली। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छे डिस्प्ले चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आपको मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कुछ इतना बड़ा भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो बैटरी की बात करें तो गाइस 4700mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67W का चार्जर मिलता है देखने को। अराउंडली आप कह सकते हो कि 40 या 30 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाते हैं। एंड गाइस देखो ये एक 5G फ़ोन है, तो इसके अंदर आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, ओवरऑल सारे ही बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 5G कनेक्टिविटी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, 5G कनेक्टिविटी बहुत खतरनाक है इस फ़ोन में। तो बात करते हैं गाइस कैमरे की, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है इसके अंदर, 50MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ कैमरा। ओवरऑल फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 16MP का आपको फ्रंट कैमरे में सेंसर देखने को मिलता है। एंड BGMI ग्राफिक्स की बात करूँ तो ये भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट देता है। ओवरऑल गाइज ये एक बढ़िया फ़ोन है अगर आपका बजट है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ ख़तरनाक ही फ़ोन होने वाला है, बाकी क्लियर जस्टिफिकेशन तो आपको एट द एंड मिल ही जाएगा। तो अब गाइज बात करते हैं अपने नंबर 2 के डिवाइस के बारे में, एंड ये एकदम परफेक्ट डिवाइस होने वाला है गेमर्स के लिए। बिकॉज गाइज देखो अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज आपका 19,000-20,000 है, थोड़ा मुश्किल से हो रहा है इतना, आप इससे 1,000 भी एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। तो गाइज ये फ़ोन एकदम परफेक्ट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज गाइज इसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा मिलता है आपको देखने के लिए, एंड आपको डिस्प्ले भी काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है, ठीक है। बैटरी कैमरा सब कुछ आपको एक ख़तरनाक मिलता है देखने को प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहले गाइज इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है गाइज डिस्प्ले में अगर मैं बात करूँ तो 6.6 inches की फुल HD+ एक IPS LCD देखने को मिलती है इसके अंदर। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, IPS के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी आप कह सकते हो। एंड रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, ठीक है। एंड 144Hz गाइस बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी पता है 120 भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो फिर भी 144Hz दे रहा है, ठीक है, आपको मतलब बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। टच सैम्पलिंग रेट की बात करूँ तो 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, 360Hz के टच सैम्पलिंग रेट है। अगर अदरवाइज अगर मैं बात करूँ गेमिंग को देखते हुए, तो अगर इस डिस्प्ले को रेट करना है सिर्फ गेमिंग के लिए तो 10 out of 10 है, क्योंकि हर चीज़ आपको इसके अंदर परफेक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। टच सैम्पलिंग रेट हो गया चाहे कुछ भी हो गया, हर चीज़ IPS के अंदर 10 out of 10। प्रोसेसर की मैं बात करूँगा इस तो स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर है, मतलब बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, भी आप इसको भी कह सकते हो 700 सीरीज़ में बेस्ट प्रोसेसर है ये, ठीक है। एंड 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, हीट एफिशिएंट है, काफ़ी कम हीट होगा, वैसे हीट तो होना ही है ये भी फ़ोन, लेकिन कम होता है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं रैम टाइप की, तो LPDDR4X रैम मिलता है इसके अंदर देखने को, UFS 2.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल गाइस
इस टाइप के जो स्पीड्स होती है 20,000 रुपीज़ के अंदर जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कम दे रखी है स्पीड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको अदर माल मसाला भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन आपको मतलब करना ही पड़ेगा। तो अब गाइस बात करते हैं हम लोग कैमरा की। तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है इसके अंदर, एंड 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, ठीक है। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बट अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप डिटेल कंपैरिजन वगैरह यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताने ही वाला हूँ एट द एंड, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है इसके अंदर, 30 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। ओवरऑल ये भी बहुत मतलब कह सकते हो परफेक्ट है, एक घंटे के अंदर अंदर मतलब आपका चार्ज हो जाता है, एक घंटे 5-6 मिनट के अंदर। तो मेरे को हर चीज़ इस फ़ोन की बेस्ट लगी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ पबजी ग्राफिक्स की, पबजी या BGMI ग्राफिक्स की, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल ये फ़ोन बेस्ट रहने वाला है गेमर्स के लिए जिसका बजट 20,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं अपने नंबर वन के डिवाइस के बारे में, जो कि गाइस अपना रेडमी K50i होने वाला है। एंड गाइस ये वही फ़ोन है जिसको मैं बोल रहा था कि आपको मतलब ये एक टाइप का ऑलराउंडर डिवाइस है, आप नॉर्मल यूज़र हो तो भी इसको परचेज कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप एक मतलब गेमर हो देन ये फ़ोन आपके लिए ही बना हुआ है। बिकॉज गाइस इसके अंदर जो ग्राफिक्स आते हैं मतलब ख़तरनाक ही मिलते हैं आपको, ग्राफिक्स वगैरह या फिर बात करूँ प्रोसेसर, सब कुछ इसके अंदर ख़तरनाक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 6.6 इंचेस की एक IPS LCD इसके अंदर देखने को मिलते हैं, एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है वो डिस्प्ले गाइस, ठीक है। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ख़तरनाक है। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको इसके अंदर भी, एंड टच सैम्पलिंग रेट की बात करूँ तो 270 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है इसके अंदर। अदरवाइज़ हर चीज़ की बेस्ट है गाइस, तो मैंने पहले ही बोल रहा था मतलब इसके अंदर कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ब्राइटनेस की बात करो तो 650 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ओवरऑल गाइस ये डिस्प्ले में एक कमी है जो कि मेरे को मतलब बेकार लगी, कि अगर आप इस फ़ोन का आउटडोर यूज़ करोगे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में आपको बहुत मतलब बहुत तो नहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है इसके अंदर। ओवरऑल डिस्प्ले गेमिंग को देखते हुए बहुत परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में, तो Dimensity की तरफ से आने वाला 8100 वाला चिपसेट है जो कि बहुत पावरफुल है, मतलब Dimensity का सेकंड या थर्ड मतलब पावरफुल प्रोसेसर यही है, एंड आज से एक साल पहले फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल यही था। अभी फ़िलहाल कुछ प्रोसेसर आ गए हैं जो इससे थोड़े से बढ़े हैं, अदरवाइज़ ये अभी भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। बात करूँ गाइस रैम टाइप की तो LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल गाइस इसकी स्पीड में आपको इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलती, आपको मतलब हर चीज़ परफेक्ट देखने को मिलती है, परफेक्ट। एंड एंटूटू स्कोर की बात करूँ तो 8.5 लाख प्लस एंटूटू स्कोर है इसका, मतलब 8 लाख प्लस एंटूटू स्कोर है, बहुत है गाइस 8 लाख एंटूटू स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो प्रोसेसर है ये 90 FPS की गेमिंग कराने के लिए कैपेबल है। अगर मैं बात करूँ BGMI एंड या PUBG ग्राफिक्स की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 FPS का सपोर्ट आपको देखने को देता है, मतलब गेमिंग में आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 FPS का सपोर्ट देता है। ओवरऑल गाइस अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो 5080 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, 67 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, तो ओवरऑल एक घंटे के अंदर ये भी चार्ज कर देता है, एक घंटे से भी कम टाइम में 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये फुल चार्ज हो जाता है। बात करूँ कैमरा की, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल गाइस काफ़ी तगड़े कैमरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड एट द एंड मैंने आपको BGMI ग्राफिक्स बताई दिए, स्मूथ प्लस 90 FPS का सपोर्ट ही आपको ग्राफिक्स देता है, तो ये फ़ोन एक ऑलराउंडर डिवाइस आप कह सकते हो, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि कौन सा डिवाइस किसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूँ IQOO Z7 की, तो ये डिवाइस गाइस उस गेमर के लिए है या फिर आप नॉर्मल यूज़र भी कह लो, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे गेमर हो चाहे नॉर्मल यूज़र हो, जिसका बजट 17K से ऊपर नहीं हो सकता या 18K से ऊपर नहीं हो सकता। एट देन लास्ट बजट इसका उतना ही है, 17-18K, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, देन ये फ़ोन आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। इस फ़ोन को आप नॉर्मल यूज़र हो तो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले भी काफ़ी ख़तरनाक है, अदरवाइज़ आप एक गेमर हो देन इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बात करते हैं लावा अग्नि 2 के बारे में,
तो गाइज लावा अग्नि 2 थोड़ा सा महंगा डिवाइस है, मतलब आप कह सकते हो 19-20 हज़ार की इसकी प्राइसिंग आती है। एंड 20,000 रुपये में गाइज आप नॉर्मली गेमर हो चाहे नॉर्मल यूज़र हो, देन आप इसको ईजिली परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एक हार्ड कोर गेमर हो एंड आपका बजट 20,000 रुपये, आप हार्ड कोर गेमर हो तो K50i की तरफ जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक हार्ड कोर गेमर नहीं हो, एक नॉर्मल गेमर हो जो थोड़ा बहुत गेमिंग करता है, थोड़े मतलब मेन उसका जो मोटिव रहता है वो रहता है फ्लैक्स बाजी या फिर नॉर्मल यूसेज के मूवीज़ वगैरह देखना हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए गाइज लावा अग्नि 2 बना हुआ है, ठीक है। वो फ़ोन बेस्ट होने वाला है उन यूज़र्स के लिए। तो अब गाइज देखो, जो लास्ट के दो फ़ोन बचे हैं Realme 9SE या फिर K50i, तो ये गाइज बचे हैं गेमर्स के लिए या फिर एडिटर जैसे हो गए जो कि हैवी यूजिंग करते हैं, ये डिवाइस उनके लिए ही है। बट अगर गाइज आपको फ्लैक्स बाजी के लिए फ़ोन चाहिए तो लावा अग्नि 2 आप जैसे के लिए ही बना हुआ है। परफॉर्मेंस तो उसके अंदर खतरनाक ही देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस एवरीथिंग उसके अंदर खतरनाक है, ठीक है। तो ये थे गाइज मेरे कुछ ओपिनियंस। तो खैर गाइज यही थी आज की कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।